गोरखपुर के राजघाट पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने तीन शातिर अपराधियों को अपने गिरफ्त में ले लिया और उनके पास से एक पिस्टल, कारतूस और दो चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना के आधार पर हुई। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त गोरखपुर के बांसगांव थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, जिनके नाम उपवन सिंह, राहुल सिंह और अंकित सिंह हैं। यह तीनों अभियुक्त चोरी और लूट की अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस संबंध में मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम परवीर सिंह ने कहा, मुंगेरी है, मतलब मुंगेरी में अभी उसके बारे में बता रहे हैं, बताते हैं अभी। यहाँ कोई सप्लायर है जिससे लिया? नहीं, यहाँ से नहीं लिया। उनसे उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, आपराधिक गतिविधि और आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा रहा है। 2012 से ही, हाँ 2012 से ही इसके ऊपर ये चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। जो चोरी की घटनाएं इधर कुछ बढ़ी हुई थी, वह अपराधों को रोकथाम के उद्देश्य से, खासतौर से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो एहतियातन भी हर जगह ये चेकिंग पूरे जनपद भर में चेकिंग आजकल रोजाना की जा रही है। उसी चेकिंग के दौरान तीन साथी बदमाश नौसर की तरफ से आते हुए मिले, जिनके कब्जे से दो चोरी के मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और जामा तलाशी में एक तमंचा भी बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस भी है। हाँ, एक जो जानू करके हैं, उनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, 12 मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं जो अभी तक जानकारी हो पाई, जो 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। जानू उर्फ उपवन सिंह उर्फ जानू करके हैं। चोरी तो आजकल आप लोग जानकारी भी हो गई, अभी जो एक जानकारी जैसे मिली थी, एक अभिषेक सिंह करके हैं, उनके घर के सामने चोरी हो गई, मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मीडिया से जानकारी मिली। तो आजकल ये चोरी के कहीं भी जहाँ उनको लगता है कि अपना रेकी करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पुलिस लाइन के अंदर से भी एक इस तरह से चोरी हो गई थी, तो जहाँ भी उनको मौका मिलता चोरों को, उसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये इसमें मतलब गौरतलब है कि ये शातिर अपराधी एक मतलब गैंगस्टर है जानू सिंह, बांसगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला, और इसके साथ जो अन्य दो साथी पकड़े गए हैं वो 307 और साइबर क्राइम में इसके पहले जेल जा चुके हैं। और प्रमुख चीज़ ये है कि बराबर क्राइम ब्रांच की तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही थी और विशेष सतर्क दृष्टि रखी गई थी उसकी गतिविधियों पर। काफ़ी समय से ये फरार चल रहा था, अपने क्षेत्र से गायब था, और मुखबिर की सूचना पे जो जानकारी हमें मिली वो एकदम ही सटीक थी, और इसके पास से 32 की पिस्टल मिली, 32 का एक राउंड एक कारतूस भी मिला है। चोरी की जो मोटरसाइकिलें हैं अभी इस पर ही छानबीन हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं कि इनका उपयोग कहीं शहर में अनिर्धारित लूट या चोरी की घटनाओं में तो नहीं किया जाएगा। अभी दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है जानू के साथ। जानू के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2012 से ही लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, इसके अलावा भी जान से मारने के भी मुकदमे हैं इसके ऊपर, तो और भी चीज़ें देखी जा रही हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसने किया है। जो प्रेस नोट दिया गया उसमें अंकित का मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन ये बांसगांव से 307 में गए हैं ये। अब इसके मतलब इसके बारे में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसमें कितनी इसके फाइली अभी भी एक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है, कितने जमानत पर हैं, क्या कंडीशन है, उन लोग अपने देखेंगे।